जादुई तेल। अगर आप इस जादुई तेल को एक बार अपने बालों में लगा लेंगे तो यकीन मानिए आपके बालों की हेयर ग्रोथ इतनी तेजी से घनी होगी, आपके बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इस जादुई तेल को आपको किस तरह से बनाकर तैयार करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेहद खास नुस्खा लेकर आई हूँ। इस नुस्खे के जरिए आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। मात्र आपको इस तेल को बनाना है, अपने बालों में अप्लाई कीजिए और एक ही बार में आपके बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, बाल तेजी से ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है कि आपके बाल तेजी से घने होने लग जाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक ऑनियन लिया है। आपको भी मीडियम साइज का ऑनियन लेना है और इसके बाद आपको इसके छिलके को उतार लेना होगा। ऑनियन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो बालों की जड़ों में लगने के बाद वहां पर एक जान डाल देता है, जिससे बालों की हेयर ग्रोथ तेजी से बढ़ने लग जाती है। इस तरह से आपको इसके छिलके को उतार लेना होगा और इसके बाद आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। इस तरह से आपको ऑनियन के पीसेस कट कर लेने होंगे। इसके बाद आपको एक चीज और लेनी है, आपको लेनी है एलोवेरा जेल की लीफ। आपको मात्र इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके बाद इसके साइडों से कांटे निकाल लेने होंगे और आपको इसके छिलके को नहीं उतारना है, आपको इसके ऐसे ही पीसेस कट कर लेने होंगे। देखिए गाइस, इस तरह से आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। अब आपको लेना है मिक्सी जार, आपको इसका एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना होगा। देखिए गाइस, मेरा ये पेस्ट बनकर तैयार है। आपको इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसे ऐसे ही एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना होगा। अब आप इसे छलनी की सहायता से छान लीजिए ताकि हम इसके रस को अलग कर सकें। थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसके रस को निकाल लीजिएगा। देखिए गाइस, इस तरह से आपको इसे छानकर इसके रस को निकाल लेना होगा। आपके पास इतना रस बनकर तैयार हो जाएगा कि ये दो व्यक्ति के सर में आसानी से लग जाएगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है आंवला तेल को। आपको इसमें 2 चम्मच आंवला तेल ऐड करने होंगे। फ्रेंड्स, आंवला तेल हमारे बालों की जड़ों को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। आंवला एक खट्टा पदार्थ होता है। हमारे बालों में विटामिन की कमी हो जाने के कारण बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। उन्हें घना बनाने के लिए आप मात्र इसमें 2 चम्मच आंवला तेल ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल तो फ्रेंड्स हमारे बालों की जड़ों को ठंडक देता है, उनमें नमी बनाए रखता है, बालों का झड़ना टूटना कीड़ा लगना दो मुंहे बाल बालों की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। मात्र 2 चम्मच आप इसमें सरसों के तेल को ऐड कर दीजिएगा। घर में यूज होने वाला सरसों का तेल आपको लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो किसी भी तरह से मसालेदार नहीं होना चाहिए, आपको एकदम फ्रेश तेल लेना होगा। देखिए गाइस, इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करनी है। 1 घंटा आप इसे अगर अपने बालों में लगा लेंगे तो यकीन मानिए आपके बालों की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी और वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। तो गाइस, अगर आप भी बालों की समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो एक बार इस नुस्खे का जरूर यूज कीजिए। ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो गाइस जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।